गुड मॉर्निंग फ्रॉम हनले। मैं हूँ राइडर अपराजिता, एक मोटर ब्लॉगर फ्रॉम असम। मैं हूँ लद्दाख राइड पे और आज मैं हूँ हनले पे। तो अभी हम निकल रहे हैं उमलिंगना तक और कल रात इस होम स्टे पे हम रुके थे। बहुत ढूंढने के बाद बहुत कोशिश करने के बाद एट लास्ट हम लोगों को एक होम स्टे मिल गया। तो अभी वहाँ से हम निकल रहे हैं। Let me take you for a ride, dancing with the lights. Our hearts beating like a drum tonight. बहुत मेहनत करके लोग यहाँ रहते हैं। जो ग्रोसरीज हैं वो लेह से लाते हैं। घर बनाने के लिए जो सामान होते हैं सब कुछ लेह से आते हैं। लेह यहाँ से बहुत दूर है, 200 किलोमीटर दूर, लगभग 250। एक बात सही है कि इन लोगों तक जल जीवन मिशन पहुंच गए हैं, तो पानी का कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा हालत कुछ अच्छा नहीं है। मेरा अभी ऑक्सीजन लेवल चेक किया था, 63-67 ऐसा कुछ था। एक मेडिसिन ले लिया है, ऑक्सीजन है हमारे पास। तो थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा, आँख खोल नहीं पा रही हूँ। पर उमलिंगना जाना है अभी, थोड़ा सा ऑक्सीजन पाफ लेके उसके बाद हम चलेंगे। बीच बीच में लेते रहेंगे। ये होम स्टे का मतलब ओनर है भैया, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल 63 है। तो मैं सोच रही हूँ कि भैया का भी टेस्ट कर लेते हैं, नॉर्मल यहाँ के लोकल लोगों का कितना कैसा रहता है। 86 हाँ, नॉर्मल मतलब 86-80 के आसपास रहता है। 87 हाँ, लोकल भैया का 86 है, हम मेरा भैया का 87 है। डाइमोक्स का मेडिसिन पिल ले लिया मैंने, तो अभी ठीक होगा क्योंकि अभी मेरा मुंह से बात निकल रहे हैं, तब मैं ऐसे बैठ रही थी भूत की तरह। 65 सर। उमलिंगना तक चलाना, ये मतलब ड्रीम लेकर ही आई हूँ और ये ड्रीम मेरे भैया पूरा कर रहा है साथ में आके। तो हम लोगों का जो लगेज है तो यही रख के गए हैं, बाद में आके लेकर जाऊंगी क्योंकि अभी ऑफ रोडिंग है ना, तो लगेज रहने से हम लोगों को दिक्कत हो जाएंगे। यही है ना, एक्चुअली उमलिंगना जाने का बहुत सारा रास्ता है, तो तीन रास्ता है। एक पूरा ख़राब रास्ता, एक शॉर्टकट है। उकटुंगले होके हम जा रहे हैं अभी। ये क्या एप्पल गार्डन है क्या? यहाँ सिर्फ पोटेटोज होते हैं, गेहूँ होते हैं और कुछ कहा था, ज़्यादा वेजिटेबल्स भी यहाँ नहीं उगते हैं, फ्रूट्स नहीं उगते हैं। सिंपल सा लाइफ, सिंपल लाइफस्टाइल जी रहे हैं सारे लोग। ना इंटरनेट है, ना सोशल मीडिया में वो लोग एंगेज। जियो सिंपल ज़िंदगी, रहो एक साथ अच्छे से, वही है। और हम आते हैं, देखते हैं, ये सिंपल लाइफ देख के हम इंस्पायर होते हैं। वो बता रहे हैं कि अभी हम ऑफ रोड करके जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर सामने गाड़ी भी है वहाँ रास्ते में। हमारे बाइक्स कहीं से भी जा सकते हैं, पर बस पंक्चर का वो टेंशन रहता है। मैं आगे इधर अचानक से रुक गई क्योंकि इधर भी रास्ता नहीं है, इधर भी रास्ता नहीं है, यहाँ भी तो रास्ता नहीं है। पूछ लेते हैं किसी को रास्ता किधर है भाई, मैप पे सही दिखा रहा है कि नहीं। ठीक है फिर, हाँ रास्ता टाइप लग रहा है क्योंकि बीच में ये लैंड बना दिया है दो पत्थर रख के। इधर देखिए पहाड़ में यही अच्छा लगता है, यहाँ पूरा धूप, वहाँ देखिए कितना अंधेरा। इफाले गई इफाले देखा, ओ इफाले थकब पे न घूरीम निकी पर नया बंदा है। तो ये रास्ता बनाए ही आसे, तो रास्ता हुआ नहीं, तो अमी वापस आ गए हैं। आगे से है रास्ता और एक ऐसे बोला बी आर ओ के लोग थे। ठीक है, थैंक यू भैया। यहाँ से जाएंगे तो 50 किलोमीटर ज़्यादा लगेगा, मतलब वाटर क्रॉसिंग करने के बाद जो लेफ्ट जाते हैं वहाँ से भी जा सकते हैं। पर चलिए, ऑफ रोडिंग करने के लिए आए हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं अभी, तो हमें देख देख के जाना पड़ रहा है कि कहाँ से गाड़ी का जाने का रास्ता ऐसे समझ में आ जाता है ना थोड़ा सा, ये देख देख के आ रहे हैं। अभी हम 14 किलोमीटर अभी रास्ता में आ गए हैं, पर देखिए हमें रास्ता ऐसा नहीं लग रहा है, पूरे रास्ता हमारा ही है ये रास्ता, अभी कोई नहीं है, कोई हम तीनों ही हैं अभी इस रास्ते पे।
मज़ा तो आ रहा है क्योंकि लद्दाख में मैं ऐसा कुछ रास्ता ही एक्सपेक्ट कर रही थी। मैंने गुटे पठार खा देखा था रास्ता। अभी हम उमलिंगला जा रहे हैं हानले से, तो जिस रास्ते से आ रहे हैं वहाँ उस रास्ता आप खुद ढूंढिए। अभी भैया को बोलूँगी वहाँ दिखाने के लिए, रास्ता कहाँ है वो बताइए मुझे। यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। हम ऐसे तैसे निशान देख देख के आ रहे हैं, यहाँ से कोई गाड़ी गए थे ऐसे ऐसे निशान देख देख के हम जाएंगे। हम लोगों को एक चीज़ मालूम है कि उस डायरेक्शन में हमको जाना है, तो उस डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं। रास्ता यहाँ कुछ नहीं है। और अभी मुझे लग रहा है कि मैं लद्दाख आ रही हूँ। बहुत देर मूड एखन गाड़ी देखी सो बाई बाई देखे गए हैं। मैं समझ में आ गया है कि वहाँ से आ रहे हैं गाड़ी, तो हमको उस तरह भी जाना है। भीड़ है ना तो थोड़ा मुश्किल होता है। मोमेंटम नाइस नाइस। अभी मैं यहाँ रुकूँ। अभी वो अभी आ गए हैं, बहुत आसानी से आ गए हैं, कोई तकलीफ नहीं हुआ है, मतलब मज़ा आ रहा था। भैया को बोला कि डरना मत, थोड़ा सा फिसलता है। तो कैसा लगा भैया को? अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा स्मूथली आ गए हैं ऊपर। और अभी हम जाएंगे गंगमाला। गंगमाला पास यहाँ से शुरू हो गया है, तो अभी यहाँ से जा रहे हैं, देखते हैं आगे कितने दूर हैं पक्का रास्ता मिलने तक। आप भील है, सैंड है, तो थोड़ा सा संभाल के जाना है। बढ़िया से आ रहे हैं अभी तक, होपफुली आगे भी जाएँ अच्छे से। থটল দিছো নাযায় নাযায়। तो मेरा क्या हुआ, पावर का इशू हुआ, मतलब मैं शायद क्लास दे के थोड़ा सा ज़्यादा टोटल लाना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ, इसलिए बीच में बंद हो गया। तो बंद होने से थोड़ा ऐसे हो जाते ना, पैर भी नहीं लगता है। तो गिरा नहीं, तो पकड़ लिया हम लोगों ने दोनों मिलके, और हमको और बहुत ऊपर जाना है। स्किल्स ऐसे ही बढ़ते हैं, क्योंकि पहले कभी ऐसा रास्ते में आए नहीं थे ना। जाते जाते स्किल डेवलप होके जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर से ऐसा ही टर्न है एक। नाइस नाइस, हाँ बढ़िया ठीक ही कर लो। अभी रास्ता किधर है? अभी रास्ता ओके, तो अभी हमें कहाँ जाना है? फिर से हम जा रहे हैं, पानी वानी पिया। ये बहुत पत्थर भी है यहाँ, रास्ता ज़्यादा ख़राब लग रहा है अभी मुझे। हम आप ही ला रहे हैं तो थोड़ा ऑक्सीजन लेवल भी कम होते जा रहा है। अभी ऊपर जाना है बोगा बोगा बाली टू बेसि लूज है, रंगा रंगा माली टू अकमान कम। हवा भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो ठंडी हवा, तेज धूप और नीचे रेत में हम जा रहे हैं। और आगे देखिए पहाड़ों में ग्लेशियर गिर रहा है। हे, पहुंच गए हैं हम पक्का रास्ता। थोड़ा सा और ऑफ रोड करके जाएगा। हम ये इस ख़राब रास्ते से 30 किलोमीटर अप्रोक्स आ गए थे, और आने के बाद हम लोगों को मिल गया ये पक्का रास्ता। हम इस तरफ से जाएंगे अभी उमलिंगला। नूरबुला पास से हम गुजर रहे हैं, और देखिए कितना नीचे से आ रहे थे हम। वो देखिए रास्ता ऐसे 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 करके नोएडा आगे आके रुक गया है, और नीचे देखिए
कितना सुंदर है ये। फोटो खींचने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। फोटो वोटो खींच के फिर से हम निकल पड़े हैं, पानी वगैरह पी के खा के चॉकलेट। अभी हम फिर से आ गए हैं रास्ते पे, यहाँ से भी हम ले जाते हैं। वाटर क्रॉस करने के बाद जो लेफ्ट साइड से आता था रास्ता ना, इस रास्ते पे ही ज्वाइन होता था शायद। हम पहुँच गए हैं चुचुम ले, वो आगे जो दिख रहा है ना ब्रिज, वहाँ से हम राइट जाएंगे। मेरा हालत तो खराब ही हो रहा है, भैया बोल रहे हैं कुछ बोल बोल के आना, नहीं तो नींद आ जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से। अभी आप लोग का हाल में जगह है ना, यहाँ से भी जा सकते हैं। इधर जा पाई ना, ये तो गाड़ी ब्याह हो गए से नहीं है। हेड वे टू उमलिंगला, यहाँ से कुछ ही दूरी के बाद हम पहुँच जाएंगे। मेरा हालत खराब हो रहा है, मतलब हालत खराब मतलब क्या, ऑक्सीजन लेवल कम है इसलिए इस बार ना बहुत दर्द हो रहा है हेड के, तो वो है। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी थकान हो रहा है, तो अभी चलते हैं उमलिंगला। ज्यादा देर नहीं करते हैं क्योंकि वहां जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और वो उमलिंगला जो है ना वो बहुत ऊंचाई पे है, वो एवरेस्ट बेस कैंप जो होता है ना तो उससे भी ऊपर है, तो हम आगे जाएंगे। लिखा हुआ है वेलकम टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, मतलब इससे ऊपर पूरे दुनिया में कहीं पे मोटरेबल रोड नहीं है। छोटा सा ऐसे कैंप जैसा बनाया हुआ है उमलिंगला ब्रिज क्रॉस करने के बाद, वहाँ वो ब्रिज है। यहाँ हम अभी कॉफ़ी वगैरह खा के पी के मतलब निकल जाएंगे। नो रोड एट ऑल, ओनली ए फील्ड ऑफ सैंड। ऑक्सीजन लेवल क्या होता है निकी, यहाँ का तबीयत खराब है उसका, ऑक्सीजन ले रहे हैं क्या? तो अभी हम जहाँ है वो है एवरेस्ट बेस कैंप के भी ऊपर। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप। तो सोचिए एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊपर हम है, तो एवरेस्ट बेस कैंप तक लोग ट्रैकिंग करके जाते हैं। तो ये वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है जहाँ हम बाइक या व्हीकल लेकर आ सकते हैं। ये मेरा ड्रीम राइड है और इस ड्रीम में मैं थोड़ा देर जी लेती हूँ। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। सारा बाइकर्स यहाँ हैं ऑलरेडी, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे बाइक का नेम सेरेमनी यही होगा। यहाँ बहुत सारे बाइकर्स हैं, हम लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है कि यहाँ ये करने के लिए। पृथ्वी आतंकोई उत्सव थका मोटरेबल रोड ये उमलिंगला टॉप। और ये रहिसु जय अहोम, जय अहोम, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो मोर आतंकोई सपन मैं डांगर सपन आज पूरा হৈছে। আমি তিনিটা হি পাই গলো হিয়াতে। अभी मेरे बाइक का नेम सेरेमनी होगा मेरे बाइक का, और इसका नाम अभी रखेंगे कल की हो गया मेरी सहेली। इसके साथ मैं उड़ूंगी बहुत दूर तक, बहुत सारा प्लानिंग्स हैं। तो ये मम्मी ने भेज कर दिया था गमूसा लगा दिया, मम्मी नाम रख लिया कल की, कलयुग का कल की। और याद के ऊपर एने को कोनो रास्ता नहीं जो जब पड़ी इमान उत्सदार। तो हम यहाँ पाई गलो ही मोर बाइक नाम रखिल कल की, और इतना जाम। चलिए और कब पड़ा नहीं, मैं स्पीचलेस हो गई। चलो मम्मी ने भेजा था एक गामोसा लेकर जाने के लिए, बार बार बोला तो एक गामोसा लेकर आई। ये आसाम के प्राइड है, तो ये यहाँ तक पहुँचा दिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी
यहाँ जितना देर रुकेंगे उतना तबीयत बिगड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। हमारे पास है ऑक्सीजन कैन वगैरह लेकर आई हूँ। तीन पाफ ले लिया अभी तो ऐसा अच्छा लगेगा। सोच रहा ऑक्सीजन लेकर आई थी तो हालत देखकर भैया ने बोला कि ले लो। चलो ले लिया तो अभी फोटो वोटो खींच लो, जल्दी जाना है हमें। मतलब अभी बाहर इतने सारे लोग हैं ना तो इसके वजह से हम यहाँ बैठ के थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। और जब सबका फोटो खींचना हो जाएगा फिर हम जाएंगे आराम से फोटो खींचेंगे और आसाम के गामोसा को लेके हम प्राउड फील करेंगे। और क्या ड्रीम मेरा फुलफिल हो गया आज इस राइड का। मेरा कितने दिनों से मतलब ख्वाहिश था अभी पूरा हो गया है। जॉय, चलिए जॉय।